हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के बारे में, कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप क्या सोचते हैं। आज के इस वीडियो में आपके डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे पास प्राइवेट और सरकारी दोनों नौकरी का एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों किया है, प्लस इमरजेंसी में जो ड्यूटी होती है क्लिनिक की वो भी मैंने किया है बैंगलोर में, जब मैं बैंगलोर में था कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो मेरे पास ये तीनों फील्ड का एक्सपीरियंस है, दो तो है ही प्लस तीसरा जो फील्ड है उसका भी एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले आते हैं कि अगर आप BAMS कर रहे हो या फिर BHMS कर रहे हो या फिर BUMS कर रहे हो, मान लो कि आपको MBBS नहीं मिला या फिर MBBS मिल गया, BDS मिल गया, इनमें से कोई सा भी कोर्स आप कर रहे हो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे जाना चाहते हो तो MBBS के बाद आपको स्टार्टिंग सैलरी आराम से 40-50 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएगा। BDS के बाद 25-30, BAMS के बाद भी वैसे ही है 25-30, और बाकी आयुष के जो कोर्स हैं BUMS और BHMS के बाद भी 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो 25-30 हज़ार आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाता है। MBBS का डिमांड ज़्यादा है, MBBS के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, वैसे ही BAMS के लिए भी कंपटीशन अभी बढ़ता जा रहा है, पहले कम था बट अब बहुत ज़्यादा हो गया है। बट गवर्नमेंट को या फिर प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो BAMS डॉक्टर्स को ज़्यादा रखते हैं एज RMO। तो आप नोटिस करोगे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो BAMS या BHMS या फिर BUMS किए होते हैं, जो स्टार्टिंग में 1 साल या 2 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों, एक्सपीरियंस ज़रूरी है। पेशेंट आपके पास जब भी आएगा तो पेशेंट नहीं देखता है कि आप कौन से फील्ड के डॉक्टर हो, पेशेंट को चाहिए होता है ट्रीटमेंट, सही इलाज, पेशेंट को सही अगर इलाज मिल रहा है तो पेशेंट आराम से आपके पास आएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर एलोपैथी क्यों दे रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, गवर्नमेंट ने ही रखा है भाई मेरे, गवर्नमेंट ने ही RBSK में टीम रखा है, BHMS BUMS BAMS के डॉक्टर्स को 25-30 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी देते हैं जो, और MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट में भी जो BAMS या फिर BHMS या फिर MBBS या फिर BDS के जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं वहाँ पे एलोपैथी मेडिसिन ही आपको देना है। खुद का क्लिनिक में आप खुद का जो प्योर सिस्टम है आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन का, जो आप करना चाहते हो आयुर्वेदिक मेडिसिन होम्योपैथी मेडिसिन जो भी आप देना चाहते हो वहाँ पर आप दे सकते हो। अब बात करते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं उनके दिमाग में रहता है कि कैसे ज्वाइन करें, क्या करें, बड़े हॉस्पिटल में जाके ज्वाइन करना सही रहेगा, छोटे हॉस्पिटल में जाके ज्वाइन करना सही रहेगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करना चाहिए छोटे हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से आपको कोशिश करना चाहिए जो छोटा होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जब आप जाओगे सीखने के पर्पज से इमरजेंसी फील्ड में, अगर आप एक्सपीरियंस रखते हो तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, डॉक्टर सपोर्ट करेंगे, वहाँ के जो स्टाफ है वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपको कुछ पता नहीं है। कुछ कुछ जगह ऐसा भी होता है कि सपोर्ट नहीं भी मिलता है, वहाँ पर आपको सब कुछ खुद से ही करना होता है, हर चीज़ आपको आना चाहिए, इमरजेंसी का भी, खुद के पैथी का तो आना ही चाहिए प्लस इमरजेंसी भी आपको आना चाहिए एलोपैथी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप ध्यान रखना। जो लोग बोलते हैं आयुर्वेदा करो आयुर्वेदा करो, उनका बात नहीं कर रहे अपन, जिसको जो सही लगता है वो कर सकता है, जो चीज़ अलाउ है, गवर्नमेंट अलाउ करके रखा है उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस स्टेट में एलोपैथी अलाउ है वहाँ पे जो इंटरेस्टेड हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस रहता है तो 25-30 हज़ार आपको आराम से मिल जाएगा, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो, 4-5 साल या फिर 6 साल का एक्सपीरियंस है या फिर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आराम से आप 1 लाख सैलरी डिजर्व करते हो, मिल सकता है आपको आराम से। बट उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जितने भी स्किल्स हैं ICU के वो सब सीखना पड़ेगा। प्राइवेट नौकरी में क्या है, आपको देखो प्राइवेट नौकरी में टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और काम भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, छुट्टी आपको कम मिलेगा। बट सरकारी नौकरी की बात करते हैं, अगर आप BAMS BHMS या फिर MBBS करने के बाद आप सरकारी नौकरी करते हो, 60-70 हज़ार रुपये आप मेडिकल ऑफिसर हो तो आपको मिल जाएगा रेगुलर पोस्ट में, फिर वह बढ़ के 1 लाख तक आराम से चल जाता है, 1,20,000 1.5 लाख तक भी चले जाता है। तो सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है, कोई भी सरकारी नौकरी में इसलिए आना चाहता है, सोचता है कि रेगुलर हो जाए,
आजकल तो रेगुलर होता नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहता है। तो 25-30 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी मिलता है एक BAMS डॉक्टर को, और MBBS को उसमें वही आपको 60 या 70 हज़ार रुपये, हमारा एक जूनियर है वो कर रहा है यहीं पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो यही चीज़ है, गवर्नमेंट को BAMS के जो डॉक्टर्स हैं, BHMS के डॉक्टर्स हैं, BUMS के डॉक्टर्स हैं, इनका जो रेगुलर पोस्ट है उसको ज़्यादा निकालना चाहिए। जैसे कि MBBS डॉक्टर्स MBBS करने के बाद डायरेक्ट ज्वाइन हो जाते हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं होता, मतलब उनको टाइम नहीं लगता है, उनको आए कोर्स करके 1-2 महीना बैठे और उनका जॉब लग गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ऐसा ही BAMS BHMS BUMS डॉक्टर्स के लिए भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उतना ही मेहनत आयुष फील्ड के डॉक्टर्स भी करते हैं, उतना ही ड्यूटी आयुष फील्ड के डॉक्टर्स ही करते हैं। तो 30-35 हज़ार क्यों, ये सबसे मेन पॉइंट है। आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ही ड्यूटी दो ना, 60-70 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी दो, क्यों कम पोस्ट निकालते हो, 50 पोस्ट 100 पोस्ट इंक्रीज करो। गवर्नमेंट को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है जिस पे फोकस होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, स्किल के हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है, कम भी है, और आपने पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लिया, रेगुलर जो आपका जॉब है मेडिकल ऑफिसर का मान लो वो मिल गया आपको, और ज़्यादा अच्छा खासा आपको इमरजेंसी का नॉलेज नहीं है, आप BAMS किए या फिर MBBS भी किए, बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने यहाँ पे भी देखा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और ब्लॉक में, कि वो बस रिफर ही करते हैं, आता कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, ना BAMS का ना MBBS का, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, कंपेयर यहाँ पे नहीं हो रहा है। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कोर्स कर लिए हैं पैसे के दम पे, और कुछ लोग पढ़ के किए हैं बट उनको आता कुछ नहीं है। BAMS वाले भी हैं, MBBS वाले हैं, BDS वाले भी हैं, सब फील्ड में ऐसे हैं जो बस दिखाने के लिए पोस्ट में बैठ गए हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं हम, 1 घंटे के लिए आते हैं, मुंह दिखाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ड्यूटी तो ड्यूटी होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। प्राइवेट में क्या होता है, लोग मजबूर हो जाते हैं, उनको करना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ पे बात मानना है, बात सुनना है, अगर आपको कुछ सीखना है तो। सरकारी में क्या होता है, अगर आप सरकारी फील्ड पे हो, सरकारी हॉस्पिटल में हो, आप 10 बजे आए, 2 बजे तक रहे, फिर चले गए घर, फिर आए या नहीं आए, ज़्यादातर डॉक्टर्स आते ही नहीं है, वो तो यहाँ पे देखने के लिए मिल ही रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में यही हो रहा है। इस छत्तीसगढ़ में ही देख लो, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे ठीक ठाक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। 3 वर्षीय जो कोर्स कर करके जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, बट हाई लेवल का जो आईसीयू केयर का ट्रीटमेंट होता है वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हर दिन कितने सारे पेशेंट एक्सपायर हो जा रहे हैं, इस पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। मतलब कुछ कुछ एरिया ऐसा है, जैसे समझ लो कि अंबिकापुर से अगर बिलासपुर आपको जाना है तो मोरगा बीच में पड़ता है, मोरगा के आगे बीच में पूरा खाली, कुछ नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढंग का नहीं है वहाँ पे, प्राइवेट की तो बात ही छोड़ दो। अगर आप छोटे जगह से हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, बैक सपोर्ट आपका नहीं है, तो आपको BAMS BDS जो भी आपने किया है, आपको स्टार्टिंग में 2 साल 4 साल जॉब करके अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर लेना है, उसके बाद ही आपको अपने फील्ड के बारे में आगे सोचना है कि जॉब के साथ में आपको क्लिनिक करना है या फिर आपको प्राइवेट, सॉरी, या फिर आपको सरकारी फील्ड में जाना है, सरकारी मेडिकल ऑफिसर बनना है। सरकारी मेडिकल ऑफिसर अगर आप बन जाते हो, सरकारी हॉस्पिटल में रहते हो, तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया, मैं जॉब कर रहा हूँ, हर दिन टाइफाइड मलेरिया और ये सब देख देख के आप बोर हो जाओगे, एक टाइम के बाद आपको लगेगा क्या हो रहा है। मुझे तो वैसे ही लग रहा है, मतलब हर दिन वैसे ही केस आता है, कुछ इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप मेहनत ज़्यादा करोगे, स्किल भी आपका बढ़ेगा, साथ में आप अपना आयुर्वेदा भी करो, क्लिनिक खोल लो, आयुर्वेदा हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर लो, उसको छोड़ना नहीं है, वो भी करना है, मैं कभी एक पैथी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, दोनों करना है आपको, दोनों आपको अलाउ है तो आप दोनों कीजिए, क्यों आप एक पैथी पे रहोगे, दोनों चीज़ करो ना, आपको एलोपैथी इमरजेंसी में करो ना, आप सुपर एक्सट्रीम लेवल लेके जाओ, प्रो बन जाओ आप उसमें। तो मिला जुला के कहने का मतलब यही है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करो चाहे सरकारी हॉस्पिटल में काम करो, उस काम के प्रति ईमानदार रहो, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं, 100 में से 60-70% लोग ऐसे हैं जो ईमानदार नहीं रहते हैं, 20-30% लोग होंगे जो ईमानदार रहते हैं, जो केवल सैलरी के लिए ही काम करना चाहते हैं, तैयारी वैयारी करके इधर उधर करके, आजकल तो घूस भी चलने लग गया, 5 लाख 10 लाख घूस दे के रेगुलर पोस्ट में आ जाते हैं, और उसके बाद 50-60 हज़ार रुपये महीना मिल रहा है, मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट मिल गया, चल रहा है ज़िंदगी, चलने तो क्या करना है आयुर्वेदिक से मेडिसिन से, कौन सा मेडिसिन क्या करता है कोई मतलब नहीं है, हॉस्पिटल खाली पड़ा है, वो अपने घर में प्रैक्टिस चल रहा है, ऐसा भी है। तो ऐसे लोगों का क्या है, तो समझ ही नहीं आता है उनको, कुछ करने के लिए बनो, दूसरे को देख के भेड़ चाल जैसा मत करो,
वो गुप्ता जी क्लिनिक खोल दिए, 100 पेशेंट देख रहे हैं, मैं भी उनके जैसा बन जाऊंगा। वैसा मत करो, वो त्रिपाठी जी ऐसा कर लिए हैं, उनका लड़का BAMS करके 150 पेशेंट देख रहा है, वैसा मत करो। आपको अंदर से फील होता है कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में सुपर स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आपको लगता है कि होम्योपैथी मेडिसिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, तब ही आप कुछ करो। फाइनेंशियली अगर आपको सपोर्ट नहीं है आपके फैमिली के साइड से, मान लो कि कोर्स कराने भर का ही पैसा है, तो आप खुद कोशिश करो पैसा को कमाने का, और उसी पैसा से अपने स्किल को बढ़ाओ। एलोपैथी और होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथी, सब साथ में हो सकता है, बट करना आपको है किस तरीके से आप करते हो, सही डायरेक्शन चूज करके, मिक्सअप नहीं करना है। तो वही चीज़ है, अगर आयुर्वेदा वाला पेशेंट है तो उसको प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन दो और ठीक कर दो, इमरजेंसी है तो प्योर एलोपैथिक मेडिसिन दो और ठीक कर दो। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए कि आपको प्राइवेट करना है या फिर सरकारी करना है। प्राइवेट में ज़्यादा काम करना पड़ता है, सैलरी स्टार्टिंग में कम होता है, फिर धीरे धीरे सैलरी आपके स्किल के हिसाब से इम्प्रूव होता है। गवर्नमेंट में संविदा पे काम करोगे तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको मिलेगा वही संविदा पे आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। जैसे आपने BAMS ज्वाइन किया गवर्नमेंट में और प्राइवेट में, तो दोनों का सैलरी सेम रहेगा, बट अगर रेगुलर पोस्ट आपको मिलता है तब सैलरी ज़्यादा रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मेरे खुद का ओपिनियन मेरा ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप संविदा पे कर रहे हो तो उसमें कुछ अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, इसलिए वो बोर हो जाओगे आप। मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टार्टिंग में प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ज्वाइन करना चाहिए, 5 साल 7 साल 8 साल, अच्छा खासा एक्सपीरियंस और पैसा इकट्ठा करने के बाद खुद के स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपने BAMS BUMS BHMS किया है या फिर BNYS किया या BDS किया है या MBBS किया है, इम्प्रूव करो अपने आप को, रुकना मत। बस ये जो टाइम चल रहा है 2022, रुकना नहीं है इसमें, आपको कंटिन्यू बढ़ते चल जाना है स्पेशलाइजेशन की ओर। सुपर स्पेशलिस्ट बन जाओ, आपका डिमांड वैसे ही बढ़ जाएगा, खुद के क्लिनिक में भी आपके पेशेंट रहेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका जॉब चल ही रहा है। बस एट द लास्ट यही बोलना चाहते हैं, आप सभी को दिल से थैंक यू, चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। तो आज ऑफ था और मैं बाहर गया था काम से, रायपुर में काम था थोड़ा, बिलासपुर में भी थोड़ा काम था, वापस आ गया हूँ। अभी फ़िलहाल मैं छत पे बैठा था। तो बस आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कुछ डाउट्स हो मेडिकल कोर्स को लेके तो इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए आप, और अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं मैसेज करके। थैंक यू।